बदलने वाले हैं मौसी के दिन बदलने वाले हैं। कौन है रे? अरे पोस्ट में तू है क्यों रे? दहलीज में खड़ा होकर ज्योतिषों की तरह पुकार रहा है। ए बुढ़िया, तू किसको देख के ज्योतिषी बोल रही है? हाँ? तेरे छोटे लड़के की चिट्ठी आई है लेकिन मैं तुझे नहीं दूंगा। चिट्ठी आई है? अरे दिखाना दिखाना, अरे देना, अरे अरे देता क्यों नहीं है रे? चिट्ठी दे देना। ए बुढ़िया, कड़कती धूप में आया हूँ ना, तो बहुत गर्मी लग रही है। एक लोटा छाछ लाके दे। छाछ चाहिए ना? लाती हूँ। ये ले भैया पी ले। ला दे। सुनिए सुनिए, हमारे विजय की चिट्ठी आई है, जरा पढ़ के सुनाइए। ये बात है, पढ़ तो लूंगा लेकिन पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। चिट्ठी पढ़ने का आपके पैर के साथ क्या संबंध है? अरे है ना, पढ़िए। एक कप चाय बना के देगी क्या? पीने के बाद पढ़ूंगा। ये क्या, एक चिट्ठी पढ़ाने के लिए मुझे इतना मस्का लगाना पड़ेगा? अगर अभी भी आपने नहीं पढ़ा तो पीने के लिए पानी भी नहीं दूंगी। पढ़िए। इस छोटी सी बात के लिए इतना नाराज क्यों हो रही है? ठीक है पढ़ता हूँ। तो और नहीं तो क्या? तुम सबको देखने की बहुत इच्छा हो रही है। क्या क्या? कुछ नहीं, अपना बेटा पढ़ाई पूरी करके गांव आ रहा है। उसे क्यों चुम रही? मेरे गाल को भी चुम ले। लड़के के आने की बात पर बूढ़े को जवानी चढ़ रही है। लाइए। मेरा लड़का आ रहा है, मैं तो खुशी से फूली नहीं समा रही हूँ। इस तरह से क्यों उछल रही है? मेरा लड़का आ रहा है, मैं उछल रही हूँ, तुम्हें क्या? स्टॉप स्टॉप होल्ड इट। नमस्ते मालिक। अरे आइए 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 मंगू प्रसाद, बोर हो रहा था इसलिए सोचा तेरे साथ थोड़ी गोटी खेल लो। नहीं मालिक, रहने दीजिए मालिक। वो कुश्ती खेलने के लिए थोड़ी बुला रहे हैं, गोटी खेलने के लिए बुला रहे हैं। आजा आजा, हाँ बैठ जा। और ये शेर है और तू बकरी, ऐ चल बिछाना जल्दी। चल गोटी डाल। नहीं। अरे डालना। मंगू प्रसाद, वैसे तू कर क्या रहा? आपके साथ गोटी खेल रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम क्या काम करता है ये पूछ रहा है? मोची का काम करता हूँ। कभी स्कूल गया था? मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। अगर पढ़ाई नहीं की है तो इसका माथा देख के ABCD पढ़ लेगा। क्यों रे, आज तेरे माथे पे क्या है? A for apple. Any doubt? अच्छा, मैंने सुना है तेरा लड़का किसी ठाकरे की लड़की से प्यार कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं मालिक, कुछ भी नहीं है। इसमें कोई गलत नहीं है, आज के जमाने में प्यार ही दो धर्मों को जोड़ता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा लड़का हमारे गांव में दो धर्मों को जोड़ रहा है, जोड़ने दो। अब से तुम इस गांव में मोची का काम करना, मैं धोबी का काम करूँगा, जो भी होगा देखा जाएगा। चल आगे खेल। बकरी तो फंस गई है, क्यों काट दो ना? फंस गई है ना तो काट डालिए, इसमें पूछने की क्या बात है, काट डालिए। नहीं मालिक, मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मालिक मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मालिक, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं मालिक, मुझे छोड़ दीजिए मालिक। के लड़के को प्यार सुस्ता है। बकरी बलि चढ़ गई, अब तो बिरयानी बना के खा लेना चाहिए। बिरयानी चाहिए। इतना ना गुरूर कर ए बंदे, भगवान से डर देख उसको अंधे। इतना ना गुरूर कर ए बंदे, भगवान से डर देख उसको अंधे। जब उसकी लाठी चलती है आवाज नहीं होती, वो जीतता है उसकी कभी हार नहीं होती। इतना ना गुरूर कर ए बंदे, भगवान से डर देख उसको अंधे। हे स्वामी कुलदेवता, मेरे बेटे को तड़पा तड़पा के मार दिया।
उस धर्मवीर ने। आज इस गांव में सिर्फ उसी कमीने की मनमानी चल रही है। उसके सामने जबान खोलने की हिम्मत इस गांव में किसी के भी अंदर नहीं है। क्यों स्वामी, क्या तुम्हारे अंदर भी नहीं है? बस स्टैंड आने वाला है, अपना अपना सामान उतार लो। अरे कंडक्टर, मेरा सामान गायब हो गया है। मेरा सामान सही सलामत है। बहुत अच्छी बात। अरे मर गया। अरे लड़की ही तो गिरी है, भैंस गिरने जैसे चिल्ला रहे हो। अगर भैंस गिरी होती तो अच्छा होता। ए, मैं सूटकेस निकाल रही थी, तुम हट सकते थे ना। कब कौन गिरेगा बोलकर लाट टपकाते हैं। कौन लाट टपकाता है? अपने आप को ऐश्वर्या समझ रही है, चल जा बैठ। हे, तू खुद को क्या समझता है? तू खुद को क्या समझती है? बहन जी, आप अपनी ये लड़ाई घर जाके कीजिएगा। चलिए बस स्टैंड आके उतरिए। अरे बाप रे। नमस्ते छोटी मालकिन। क्या बात है विजय? बस उतरने के बाद गाल दबाते हुए आ रहा है। आ? भाई, हंस क्यों रहे हो? ये डब्बा गाड़ी रखकर तुम्हें इतनी चर्बी चढ़ी है। डब्बा गाड़ी तेरी होगी, हमारी गाड़ी स्ट्रांग पहाड़ों पे एकदम चढ़ जाती है। तो सबसे पहले कौन सी गाड़ी गांव में जाती है देख ले। देख लेते हैं। अगर मैं पहले गांव में पहुंच गई तो मैं अपने चप्पल से तुम्हें मारूंगी। क्यों, मंजूर है? और अगर मैं पहुंच गया तो तुझे कस के पकड़ के इच्चे इच्चे करके किस करेगा, बोलो मंजूर है? मंजूर है। ए, तू पीछे बैठ, मैं चलाऊंगी। चल रही, बाहर निकल। अब तू क्या कहती है? ये क्या बोलेंगे विजय, शर्त के मुताबिक तुम जीत गए। अब इसे पकड़ के इंग्लिश किस, ओनली लिप्स, या। जहां तहां मुंह मारूंगा तो मुझमें और कुत्तों में कोई फर्क नहीं रहेगा, मेरी माँ कहती है। You stupid. लो आ गया। देखिए मेरा बेटा आ गया। मेरा राजा बेटा, तो अच्छा है ना? मैं अच्छा हूँ माँ। एग्जाम्स अच्छे लिखे हैं ना? अच्छे लिखे हैं पिताजी, मैं फर्स्ट क्लास में पास होऊंगा। रुक 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 रुक, पूरे गांव की नजर तुझ पे गड़ी होगी।
पहले तेरी नजर उतारती हूँ। मंगू इसे ले जाकर बाहर फेंक दे। जीता रहो बेटे। जीता रहे बेटे, जीता रहे। चलो सामान अंदर ले आओ। जंगली मानव जी फरमाइए। आज तुम्हारे माथे पर क्या है? बी। बी यानी? बी फॉर बेवकूफ। बेवकूफ बोलकर मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं? अपनी तरफ करना। हाँ, आज गांव में क्या खास बात है? मानसिंह की बेटी मल्लिका, रॉबर्ट की बेटी जूली और पांडे की बेटी रेखा, वो तीनों की तीनों एक साथ में। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं अभी आता हूँ। प्लीज सिट डाउन। वो तीनों की तीनों लड़कियाँ कल मेजर होने वाली हैं। तो ये पहले क्यों नहीं बताया? मालिक आ गई। वो तीनों की तीनों आ गई क्या? अरे छोटी मालकिन आई है। छोटी मालकिन आई है? आई है। आओ मीना। नमस्ते छोटी मालकिन। ये छोटी मालकिन पैंट पहन के आई है। जब गई थी लड़की बन के, आई है लड़का बन के। कहीं कॉलेज में तो ये बदलाव नहीं हो गया? श्याम लाल जी, छोटी मालकिन शहर में पढ़ती है ना, ये उसी शहर की स्टाइल है। क्या हुआ इस लड़की को जो इतने गुस्से में जा रही है? अरे बाप रे, तेरा सिर इतना क्यों उबल रहा है? क्यों नहीं जाए? हॉस्टल में तेल की मालिश नहीं करता था क्या? हॉस्टल में ये सब नहीं होता है पिताजी। ओफ, वो बहुत दर्द हो रहा है पिताजी, धीरे करो। चिल्लाता क्यों? रुकना, आज के जमाने के बच्चे तो बस जरा सा छुओ तो वैसे चिल्लाते जैसे बहुत दर्द हो रहा हो। बेटे तेरी उम्र में मैं कैसा था तुझे मालूम है? कैसे थे? तेरे बाप को जो भी देखते थे एक मिनट के लिए वहीं रुक जाते थे और मुझे निहारते रहते थे। इनकी माइक टायसन की बॉडी देखकर तो मैं भी लुट गई थी। क्या कुश्ती लड़ते थे। ए बुढ़िया, पुरानी बातों को ज्यादा याद मत कर। हाँ, शादी से पहले तो मेरे पीछे घुमा करते थे, अब मैं तुम्हें बूढ़ी लगती हूँ क्या? ओ, तो तुम दोनों का भी लव ही था ना? हाँ बेटे, लव भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल लव बर्ड्स की तरह। उसी लव के भाव में तो तुम दोनों भाइयों का जन्म हुआ है। अरे ये क्या इस तरह की बातें बच्चों से कर रहे हो? चाची, दही वड़े बनाने के लिए थोड़ी दही मिलेगी क्या? अरे चाची यहाँ खड़ी है, नजरें मेरे लड़के पर क्यों जमा रही है? मैं भी देख रहा हूँ। हाँ, किसी के भी घर में कोई जवान लड़का दिखाई नहीं देना चाहिए। आ जाएंगी कमर हिलाते हुए, दही चाहिए बोल के। हाँ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे ही घर में लड़का है। हारी, इसे मैंने ही जन्म दिया है, जा तेरे लिए कोई दही वही नहीं है, जा। हे बुढ़िया, उसकी नजरें ठीक नहीं है। हाँ, जैसे ये नहा लेगा, हाँ, दो तीन सूखी मिर्चियाँ लेकर, हाँ, इसकी नजर उतार देना। मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। ठीक है, जा 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 जा। बहुत बहुत शुक्रिया। सीढ़ियों पे बैठे हो ना, इसलिए भीख डाली है, बन खरीद के खा लेना। क्यों री, मंदिरों में ऐसे कपड़े पहन के आते हैं? मल्लिका शरावत के स्टाइल में आई है। ये कैसा ड्रेस है? आगे से आधा गायब है, पीछे से पूरा गायब है। क्यों रे, ऐसे कपड़े पहन के अगर ये अंदर जाएगी तो क्या होगा? गणेश जी से देख के भाग जाएंगे। आई, मैं ड्रेस पहन कर भी आऊंगी, बिना ड्रेस के भी आऊंगी, वो मेरी मर्जी है, इसमें तुम्हें क्या तकलीफ है? गणपति बप्पा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। क्यों रे, मजाक सूझ रहा है? जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, देवा देवा, जय गणेश देवा। जो करेगा पूजा तेरी पाएगा वो मेवा, मेवा मेवा पाएगा वो मेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जो करेगा पूजा तेरी पाएगा वो मेवा। खुली है आँख मगर आँख फिर भी बंद है, सर पे बाप की दौलत का जो घमंड है, लड़की नहीं सोने की है बंदरी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जो करेगा पूजा तेरी पाएगा वो मेवा।
बना ले गोरी बाली अपने कान की नाना 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 मुझे बना ले जान बन जा मेरी जान की नाना 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 अरे पास मेरे आ मिलके झूम ले मिलके झूम ले मिलके झूम ले मुझको तू भी चुन ले आ इधर चुन ले चुन ले मुझको तू भी चुन ले तुझको हम भी चुन ले ओ मन चली किधर चली आजा इधर प्रेम गली जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा 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 जय गणेश देवा जो करेगा पूजा तेरी पाएगा वो मेवा 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 पाएगा वो मेवा दर्जियों की बेटियां नाना 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 हे ऐसे कपड़ों से यहाँ बेहतर है धोतियां नाना 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 दिल दिमाग से कुछ तो काम ले कुछ तो काम ले अरे कुछ तो काम ले काहे ये गुरूर है क्या तू कोई हूर है हजारों लाखों तेरे जैसे इस जहाँ में गोरी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा 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 जय गणेश देवा जो करेगा पूजा तेरी पाएगा वो मेवा 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 पाएगा वो मेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जो करेगा पूजा तेरी पाएगा वो मेवा खुली है आँख मगर आँख फिर भी बंद है सर पे बाप की दौलत का जो घमंड है लड़की नहीं सोने की है बंदरी क्यों बे हमारी छोटी मालकिन से आंखें मिलाता है हाँ तो बच्चों हम थोड़ी आपके चली खेले मेरा भाई कौन है पता है ठाकुर भवानी सिंह मैं उनका छोटा भाई हूँ ये याद रखना क्यों रे बेटे विजय
तुझे इन सब में पढ़ने की क्या जरूरत थी? तूने जो पढ़ाई की उससे बढ़िया ऑफिसर बने बिना उस मवाली की बहन से झगड़ा क्यों मोल लेता है? ये क्या माँ, उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि वो आकर मुझे ललकारे, मैं उसका घमंड तोड़ के रहूंगा। ये हुई ना बात। क्यों बेटे, अगर कुत्ता काटे तो हम वापस कुत्ते को काट लें? ये सब करना छोड़ दे बेटे, तेरे भाई ने गुस्से में जो किया और आज जेल में बंद है, ये क्या हमारे लिए काफी नहीं? अरे बच्चे के सामने इस तरह क्यों बोल रही है? हमारे दोनों लड़के शेर हैं, बब्बर शेर, जल्दी किसी से उलझते नहीं, अगर उलझ गए तो सबक सिखा कर ही रहेंगे। ये हुई ना बात पिताजी। ये क्या तुम्हें शोभा देता है? तुम ही इस तरह से बोल बोल कर बच्चे को बिगाड़ रहे हो। मुंह बंद करके खाना खाओ। मुंह बंद करूंगा तो खाऊंगा कैसे? हाँ, कैसे? ये क्या तुम बाप बेटे को मजाक सूझ रहा है? चुपचाप खाना खाओ। ए, हमारे विजय को इसने गुंडों से पिटवाया ना, हाँ। अब ये कार गोबर से सजाएंगे। शुरू हो जा। का सारा गोबर उसी की कार पर है। वो तो बदबू से मर गई होगी। हमारे हाथों से बदबू अभी तक नहीं गई है। सड़क क्या इसके बाप की है जो हम सड़क से हट के चले? पूरे रोड पे चलो। ए, संभल के। आने की जरूरत नहीं है, दो दिन में ठीक हो जाएगा। ये दवाई लाके दे दो। ए, तुम लोग इसे पास ही रहना, मैं दवाई लेके आता हूं। ए, तुम कहां जा रहे हो? मैं लौटकर बताएंगे, चल बे। ए, ज्यादा मत पी यार, कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। चल अंदर खिसक कर बैठ, चल खिसक। पागल हो गया है विजय, तू मेरे इस प्लान में टांग मत अड़ा। अगर टांग अड़ाई तो हमारी दोस्ती खत्म समझ ले। हाँ, तुम घर जाओ। ए विजय, किसी भी लड़की के लिए जान से ज्यादा इज्जत प्यारी होती है। अगर तुम इन फटे कपड़ों में यहां से गांव में जाओगी तो पूरा गांव तुम्हारा मजाक उड़ाएगा।
ये लो ये पहन के जाओ। और सुन, अब से अपना पैसों का घमंड दूर करके लड़कियों को जिस तरह से रहना चाहिए वैसे रहना सीख, समझ गई? अब जा। ए, I'm sorry यार, उसने भले ही हमारे साथ जो कुछ भी किया लेकिन किसी लड़की की इज्जत से खेलना पाप होता है। अब मैं जाता हूँ। जय हनुमान, जय जय बजरंग बली। कबड़े 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 हाय फ्रेंड्स, कबड्डी खेल रहे हो? नहीं, टेनिस। ए, मैं भी खेलूंगी, मुझे भी खिलाओ ना। ए, तुम लोग चुप रहो, ये खेल लड़कों के खेलने का है, तू घर जाकर अपनी गुड़िया से खेल ले। ए विजय, इस तरह से नहीं बोलते यार, ये हसीन मौका है भैया, लड़कियों का दिल नहीं दुखाते भैया, बुजुर्गों का कहना है, इसलिए उसे मना मत करो, उसे बुला लो भैया। वो खेलेगी तो मैं नहीं खेलूंगा। क्यों, मेरे साथ खेलने पर हार जाओगी, इस बात का डर है? मुझे और डर? भवानी सिंह के छोटे भाई को डर? चला जा। बेबी जल्दी आ। तुम सबके साथ? विजय, सिर्फ तुम और मैं ही खेलेंगे दोनों का मुकाबला। क्यों, हमें क्या कमी है? ऐसे वैसे लड़कों के साथ मैं कभी नहीं खेलती हूँ, ओनली विद हीरो। हमारी तो किस्मत ही फूटी है, तो खेल यार, हम साइड में बैठ के देखते हैं। ठीक है, तो पहले तू आ। कबड्डी 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 कबड्डी। ये क्या, तू क्या ड्रैगुला है जो कान काट रही है? तेरे साथ खेलने में खतरा है। अब समझ में आ गया कि लड़के लड़कियों से किस तरह से हार जाते हैं। लड़कियों में जरूर कोई बात है। ये क्या, नींद में कबड्डी खेल रही है? कबड्डी? क्या है ना भाभी, कबड्डी खेलना मुझे बहुत पसंद है ना, इसलिए शायद नींद में। तो उसके लिए आधी रात में चुपचाप सो जा। कबड्डी 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 कबड्डी। ये क्या बेटे, तू ये क्या बोल रहा था, क्या बड़बड़ा रहा था, इस आधी रात में तू कबड्डी खेल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है माँ, दरअसल कल मैं दोस्तों के साथ कबड्डी खेला था ना, उसी का सपना था, बस और कोई बात नहीं। नहीं बेटे, लगता है जरूर तू कुछ देख के डर गया है, अब मैं क्या करूं? हे अम्बे जगदम्बे, मैं तुम्हारे नाम पे नारियल चढ़ाऊंगी, मेरे बच्चे को बुरी नजरों से बचाना। तू सोचा बेटे, सुबह उठते ही सबसे पहले मैं तुझे मंदिर ले जाऊंगी।
जमाना बहुत खराब हो गया भैया। 60 साल का बुड्ढा 16 साल की लड़की से शादी करता है। बेचारी लड़की। यार हमारी बात सुनो, कैसा ये इंसाफ सुनो। ए, रो क्यों रहा है? बुड्ढा मंगल सूत्र पहनाते हुए कांपता है, स्वागत कैसे मनाएगा? अगर ऐसी बात है तो एक रास्ता है, मेरे जैसे एक स्मार्ट लड़के को देखकर अंदर भेजना काम हो जाएगा। क्यों रे लड़कों, बुड्ढा तुम्हारे लिए मजाक बन गया है? मुंह में दांत नहीं तो क्या हुआ, लेकिन अभी भी बच्चा पैदा कर सकता हूँ। ओल्ड गोल्ड होता है रे। लगता है बुड्ढे की जवानी अभी तक नहीं गई। मेरा निशाना कैसा रहा? इंग्लिश फिल्म। छू मत। क्यों बे, कोई भी लड़की लेटर फेंकेगी तो क्या उठा ले? मुझे क्या दुम हिलाने वाला कुत्ता समझा है? चलो चले यहाँ से। बाप रे, अच्छा है कोई नहीं है। छूना मत। ए, मैं धूम हिलाने वाला कुत्ता हूं क्या? ये आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है। थोड़ी देर पहले तूने ही बोला था। हाँ? कुछ नहीं, बस मैं यहाँ पे तितलियां पकड़ने के लिए आया था। छी, भाग यहाँ से। फूल तुम्हें भेजा है खत में। ये फूल नहीं, उसका दिल है। सुन भैया, किसी ने इसे बड़े प्यार से फेंका है, उठा के पढ़ ले, दिल को शांति मिलेगी। डियर विजय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो प्लीज। अगर तुम मान गए हो तो फौरन मेरे पास दौड़ कर आकर मुझे चुम्मा दो। तुम्हारी मीना। आई, इंग्लिश फिल्म। ए, अब तू क्या करेगा, उसे लेके भाग जाएगा। है, छोड़ना। ए, लेटर की टाइपराइटर आ रही है। ये क्या, वो मुझे देखते हुए आ रही है? अरे बाप रे। अरे बाप रे। क्या हुआ, टक्कर जोर से लग गई? मेरी बात सुन, तू मुझसे बेकार में पंगा मत ले, क्योंकि अगर मैंने टक्कर मारी तो तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ठीक है, मारना, मैं अभी तो देखूं तुम्हारी टक्कर। अच्छा तो ये बात है, अभी दिखाता हूँ। आई, इंग्लिश फिल्म। बी केयरफुल। कहाँ भाग रहे हो? मेरे लेटर का जवाब? क्या जवाब चाहिए? ओहो, मुझे छोड़ दे। विजय, विजय, विजय। भी एक चुंबन देगी? अपना हाथ हटा। क्यों, तू इसका वो है क्या? पहले हाथ हटा। नहीं हटाया तो तू क्या करेगा? हाँ? Hey!
अपने प्यार से हारने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा। अच्छा तो ये बात है। हाँ यही बात है। अरे मीना, अगर मैं तुम्हारे साथ भागा होता ना तो तुम हार जाती और हारने पर फूट फूट कर आंसू बहाती। मीना, तुम्हारी आंखों में अगर भूल से भी आंसू आ जाएं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने ये बात धर्मवीर को नहीं बताई तो मेरे सीने में दर्द होने लगेगा। क्यों बे? तेरी इतनी हिम्मत कि धर्मवीर की इज्जत से खेलने की कोशिश की? कुत्ता जानवर की हड्डी खाए तो सही रहता है, लेकिन अगर जानवर को ही खाने की कोशिश करेगा तो मर जाएगा। नहीं भैया, नहीं, विजय को कुछ मत कीजिए भैया, सजा देनी तो मुझे दीजिए भैया। भाभी भैया तो बोले ना विजय को ना मारे। ए, उसे ले जाके कमरे में बंद कर दो। ला रहे वो हंटर ला। ये लीजिए मालिक। हटो। धर्मवीर, ये तो कैसा अन्याय कर रहा है? इसमें अन्याय की क्या बात है, गांव की पंचायत का फैसला यही तो होता है। हमारे गांव में किसी और जाति वाले से बात करना भी पाप है, और तुम्हारे लड़के ने दूसरी जाति की लड़की से प्यार किया, ये कितना बड़ा पाप है, और वो भी किस लड़की से? मालिक की छोटी बहन से। तो क्या ऐसे ही छोड़ देंगे, उसे सबक नहीं सिखाना होगा? अब तेरे बेटे ने जो किया उसकी क्या सजा है? बाप के हाथ में हंटर देके बेटे की चमड़ी उधड़वानी होगी, यही इसकी सजा है। हाँ मालिक, यही सजा है। अब तू क्या कहता है, हंटर तू मारेगा या फिर मैं मारूं? मैं खुद मारूंगा, मैं मारूंगा। लाठी चलती है आवाज नहीं होती, वो जीतता है उसकी कभी हार नहीं होती। इतना ना गुरूर कर ए बंदे, भगवान से डर देख उसको अंधे। इश्क एक दुआ है जो मिलती है रब से जाके, बन जाता है सिकंदर रब की दुआ को पाके।
इश्क है एक खेल जिसमें हार नहीं होती, इसे काटे ऐसी कोई तलवार नहीं होती। इश्क से बढ़ के कोई चीज यहाँ प्यारी नहीं, इससे जो बच सके कोई नर नहीं कोई नारी नहीं। इसलिए ये बात मेरी मान ले, भगवान को तू आज ही पहचान ले। सुन ले इतना ना, अरे इतना ना गुरूर कर ए बंदे, भगवान से डर देख उसको अंधे। ये सब क्या है? मेरी वजह से ये मार पड़ी है ना, बहुत दर्द हो रहा है ना। सांत्वना देने वाला अगर साथ में हो तो दर्द का एहसास नहीं होता। अगर मैंने ये हंटर की मार नहीं खाई होती तो क्या इस तरह से तुम मुझे चूमती? अगर तुम मुझे इसी तरह चूमती रहोगी तो मैं रोजाना तुम्हारे लिए मार खाऊंगा। ओहो, तो ये बात है। हाँ, यही बात है। ए, ये सब क्या है? विजय, हमने प्यार किया इसीलिए तो तुम्हें हंटर से मारा गया ना, पर मैंने खुद को अपने आप ही सजा दे दी। अरे माँ, ये सब क्या है? बेटी मीना, तेरे चाहने पर ही मेरे बच्चे की ये हालत हो गई है। इसका हाथ थामेगी तो पता नहीं क्या होगा। अभी तो इसके जख्म भी नहीं सूखे हैं और तू नमक छिड़कने आ गई। अगर तुझे किसी ने यहाँ देखकर तेरे भाई से बोल दिया तो क्या होगा? बेटी, तू यहाँ से चली जा। आपको जो भी कहना है कहिए, लेकिन मैं विजय को नहीं भूल सकती। उसके लिए भैया मुझे जो भी सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। वो तुझे कुछ नहीं करेगा बेटी, वो कमीना मेरे बच्चे का सिर काटने से भी पीछे नहीं हटेगा। इस जमाने में करता कोई और भरता कोई और है बेटी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत चोटें खाई है बेटी। उस दिन का हादसा मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। महेश्वरी, कैसा रहा? तुम्हारे हाथों मंगलसूत्र पहनने के लिए मैं कब से इंतजार कर रही थी पता है? और तुम ये फूलों की माला पहना के भागना चाहते हो? ए भवानी, ऐसे ही सबके सामने मंगलसूत्र कब पहनाने वाले हो? ये जाके मेरी माँ से पूछ। शादी तो तुम ही करोगे ना, तो इसमें माँ से क्या पूछना है? सिंदूर भर के तेरी मांग में सजा दूं तुम जो बोलो, बाहों में भर के तुम्हें घर में ले जाऊं तुम जो बोलो। सिंदूर भर के तेरी मांग में सजा दूं तुम जो बोलो, बाहों में भर के तुम्हें घर में ले जाऊं तुम जो बोलो। चाहत जताने की उम्र है यही, पल पल सताने की उम्र है यही। मेरी निगाहों में जो नशा है तुम वो नशा हो रानी। जानम
सिंदूर भर के मेरी मांग तुम सजा दो, मैं क्या बोलूं, बाहों में भर के मुझे घर तुम ले जाओ, मैं क्या बोलूं। हम समझ पाए हैं तेरे इशारे, क्यों तेरा दिल मुझे तड़प के पुकारे। ऐसी बातें होती हैं रानी बस रातों में, जाने जमाना जाने तुम हो मेरे दीवाने, बुलती रहती हूँ मैं तेरी चाह तो पिता ने पानी। सिंदूर भर के तेरी मांग मैं सजा दूं तुम जो बोलो, बाहों में भर के मुझे घर तुम ले जाओ, मैं क्या बोलूं। महेश्वरी के ऊपर तेरा ही हक बनता है क्योंकि तूने उसे बचपन से चाहा है, लेकिन अब उसे किसी और ने अपने जाल में फांस लिया है और तू देखकर भी चुप है। तेरी मर्दानगी कहां चली गई? एक काम कर, बाजार से चूड़ियां लाकर उन्हें पहन ले। पार्टनर, मैं चूड़ियां लाकर पहनता हूँ या उसे मंगलसूत्र लाकर पहनाता हूँ ये कल देख लेना। ये क्या है, घर में कोई नहीं दिख रहा है, ऊपर से दरवाजा भी खुला है, सारी सब्जियां काटे बिना ही रखी हैं। ए बुढ़िया, तू वहाँ अंदर क्या कर रही है, जल्दी इधर आ। हाँ? तू किसे बुला रही है री? मेरे घर में आके बैठ के मुझ पे हक जमा रही है। मैं हूँ सासू जी। सासू जी? और नहीं तो क्या, मैं आपके बेटे से शादी करने वाली हूँ ना। हाँ। तो आप मेरी क्या हुई? हाँ हुई तो सास ही। तो इसमें क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ। आप कब तक ऐसे अकेले घर में खाना बनाती रहेंगी? तो अब मैं और क्या करूँ, यहाँ और है कौन? तो फिर मैं किस लिए हूँ? अपने बेटे से बोलकर फटाफट मेरे गले में मंगलसूत्र पहनवा दीजिए, तब आप आराम से बैठना, खाना मैं बना दूंगी, हर साल एक बच्चा भी तो दूंगी। अरे बाप रे,
तेरी ये भी इच्छा है? हाँ, इच्छा तो मेरी भी है, लेकिन उसका मुहूर्त भी तो आना चाहिए ना। हाँ, बड़ी आई मुहूर्त निकालने वाली, मेरी उम्र की जितनी भी है वो पेट में एक और बगल में एक लिए घूम रही है। हाँ, एक मैं हूँ जो शादी करने के लिए ही भटक रही हूँ। आज तो मैं फैसला करके ही जाऊंगी, या तो अपने बेटे से बोलकर इस गले में मंगलसूत्र डलवा दो, नहीं तो मैं उसके हाथों जबरदस्ती डलवा लूंगी। हाँ, अरे वारी, हाँ तू ऐसा जरूर करेगी। हाँ करेगी, जरूर करेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ इसे किसी और से शादी करने के लिए छोड़ दूंगा क्या? चल रही उल्लू की पट्टी, चल। अरे छोड़ दे इसे, अरे चल जा रहा है, चल। क्यों रे, तू इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है? छोड़ दे इसे, छोड़। चल 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 मेरा हाथ। माँ जी, मेरे गले में आपके बेटे का पहनाया मंगलसूत्र होगा, नहीं तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी। माँ जी चल चल, माँ जी चल, मुझे भवानी भवानी। ये क्या भवानी, तेरी माँ इस तरह दौड़ती हुई आ रही है? अरे बेटे क्या हुआ, माँ भागती क्यों आ रही है? भवानी बेचारी महेश्वरी हमारे घर आई थी, वो राकेश उसे मारता हुआ अपने साथ ले गया। भवानी वो जाते समय क्या बोल के जा रही थी पता है? या तो भवानी का पहनाया मंगलसूत्र मेरे गले में होगा, या फिर मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी, ऐसा बोलकर जा रही थी। उसे किसी भी तरह बचा ले बेटे, ये ले बेटे। माँ सोच क्या रहा है तू, क्या करेगा क्या नहीं करेगा मैं नहीं जानता, वो लड़की हमारे घर की बहू बननी चाहिए, लेके जाओ उसे पहना दे। जल्दी ले बेटे। तू यहाँ क्यों आया है? किसी को ढूंढने आया होगा, और वो भी अपनी अनारकली को। ढूंढते हुए नहीं आया, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए आया हूँ। हाथ रहेंगे तभी तो पहनाएगा ना, इसके हाथ काट दो। तू तो कल शादी करने वाला था ना, मैं इससे अभी शादी करके इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ, अब तुझसे कुछ नहीं होगा, अबे देखता क्या है। महेश्वरी, हे महेश्वरी,
ये क्या है? पहले मुंह खोलती थी तो बंद नहीं करती थी, जो मनमाया बोलती रहती थी, अब क्या हुआ? ये क्या महेश्वरी, आंखों में आंसू? ये तो खुशी के आंसू हैं, मेरे मन की मुराद जो पूरी हो गई। पगली, हम जिसे चाहें उसके बदले अगर हमें चाहने वाला कोई मिल जाए तो भाग्यशाली कहते हैं। तो मेरी बीवी बनी उसके लिए, मैं वाकई भाग्यशाली हूँ। बुझा तो सही। बुझाई तो रहा हूँ। लाइट कह रही है। हाँ, 25 साल गुजर गए। हाँ। ऐसे लग रहा है जैसे कल ही गुजरी है। क्या गुजरी है? हमारी सुहागरात। ओहो, छोड़िए भी। घबराती हुई दूध का ग्लास लेकर अंदर आई। हाँ। और जैसे ही मैंने तेरा हाथ पकड़ा तू घबरा गई और दूध का ग्लास नीचे छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने तुझे। ओ, आप ये क्या कह रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? तू तो ऐसे शर्मा रही जैसे आज हमारी सुहागरात हो। तो क्या, बेकार में मुझे याद दिला रहे हैं। अच्छा, याद आ गया। अरे वाह। कुआरी नहीं मर रही हूँ, आपकी सुहागन बन के मर रही हूँ। इतना ही नहीं, आपकी गोद में मेरा दम निकलेगा, इससे भी ज़्यादा मुझे मुझे और क्या चाहिए? इनका भक्तों ने मेरे घर में अंधेरा कर दिया रे। इच्छाएं थी उसकी, बेचारी का घर बसने से पहले ही उसे उजाड़ दिया। मेरा बड़ा लड़का जेल चला गया, अब मैं अपने इस बेटे को सीने से लगाकर इकलौते बेटे के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे इस बेटे को भी हमसे दूर मत करना बेटी। मेरी बात सुनिए, मैं इस गले में विजय का हाथों मंगलसूत्र पहनूंगी, बस यही मेरा फैसला है। आपकी बहन ने तो फैसला बता दिया है, अब आपका फैसला क्या है? अब तू उससे मिली या उसकी तरफ देखा भी तो भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है, तुझे जान से मार डालूंगा। हाँ? क्यों, मिलने से क्यों मना कर रहे हो? वो अच्छा इंसान नहीं है या वो किसी अच्छे परिवार से नहीं है? ए, जो मुझे पसंद नहीं वो इस घर में तो क्या, इस गांव में भी नहीं दिखना चाहिए। सुनिए, लड़की तो हमेशा पराया धन होती है, एक ना एक दिन उसकी किसी से शादी करानी होगी, तो क्यों ना उसके पसंद के लड़के से करा दी जाए। सही कह रही है, अगर ऐसा करने लगे तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। गाय भैंस चराने वाला ब्राह्मण की बेटी को मांगेगा, मोची का बेटा ठाकुर की बेटी को मांगेगा, और अगर ऐसा ही रहा तो गांव में कोई जाति ही नहीं रहेगी। ऐसा उस जाति का हमारी जाति से कोई मेल नहीं है, याद रखना। इसी तरह पूरी जिंदगी जातियों के चक्कर में पड़े रहना। लेकिन प्यार की कोई जाति नहीं होती, दो मन होते हैं, पहले ये दिमाग में बिठा लो। मैं क्या दिमाग से पैदल हूँ? 4 दिन तुझे कमरे में बंद रख के खाना पीना बंद कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। 4 दिन तो क्या, 40 दिन भी मुझे भूखा रखोगे तो भी मुझे बदल नहीं पाओगे। इतना ना गुरूर कर ए बंदे, भगवान से डर देख उसको अंधे,
जब उसकी लाठी चलती है आवाज नहीं होती, वो जीतता है उसकी कभी हार नहीं होती। इतना ना गुरूर कर ए बंदे, भगवान से डर देख उसको अंधे। इश्क एक दुआ है जो मिलती है रब से जाके, बन जाता है सिकंदर रब की दुआ को पाके। इश्क है एक खेल जिसमें हार नहीं होती, इसे काटे ऐसी कोई तलवार नहीं होती। इश्क से बढ़ के कोई चीज यहाँ प्यारी नहीं, इससे जो बच सके कोई नर नहीं कोई नारी नहीं। इसलिए ये बात मेरी मान ले, भगवान को तू आज ही पहचान ले। सुन ले इतना ना, अरे इतना ना गुरूर कर ए बंदे, भगवान से डर देख उसको अंधे। जब उसकी लाठी चलती है आवाज नहीं होती, वो जीतता है उसकी कभी हार नहीं होती। इतना ना गुरूर कर ए बंदे, भगवान से डर देख उसको अंधे। मीना, मीना, बाप रे, अरे वाह, विलन चला गया। विजय, कुछ भी करके मुझे अपने घर ले जाओ। अब मैं एक पल भी तुमसे अलग होकर नहीं रह पाऊंगी। विजय, तुम क्या समझती हो मैं तुमसे अलग होकर रह सकता हूँ? अगर मैं तुम्हें अपने घर ले गया तो तुम्हारा भाई हम सबको जान से मार डालेगा। हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, इसलिए हम दोनों ये गांव छोड़कर कहीं दूर भाग चलते हैं। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, चलो।
चलो वहां चलते हैं। मीना, जब तक बारिश नहीं रुक जाती हम लोग यहीं रुक जाते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन देखो मेरे कपड़े कितनी बुरी तरह से भीग गए, मुझे ठंड भी लग रही है, अब मैं क्या करूँ? ठंड लग रही तो मुझे पकड़ लो, मैं मना थोड़ी करूंगा। मेरे साथ ऐसी मजाक मत करना। ठीक है ठीक है, अब तुम अपने कपड़े उतार कर सुखा लो, बाद में पहन लेना। तो अपनी आंखें बंद करोगे ना? वो किस लिए? प्लीज 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 विजय, अपनी आंखें बंद करो ना। ओके ठीक है ना। गुड बॉय, तुमने मेरा कहना मान लिया। हाय, बड़ी सोनी लग रही है। क्या बात है। सावन में ये रिम झिम शबनम बरसे, दिल के साज से मीठी मीठी सरगम बरसे। सावन में ये रिम झिम शबनम बरसे, दिल के साज से मीठी मीठी सरगम बरसे। चाहत से दामन भर ले, सावन में ये रिम झिम शबनम बरसे, दिल के साज से मीठी मीठी सरगम बरसे। छूने की तुझको पाने की आशा है, तेरी सांसों में अब घुल जाने की आशा है। तू अपने साथ मेरी बेताबी को लाता है, तू जब जाता है मुझे बेचैनी दे जाता है। मस्ती से तन मन अपना भीग गया है ये जानम, मस्ती में डूब गई दिल की धड़कन ये जानम। ना डर ना गम है कोई, हम है और कोई नहीं। सावन में ये रिम झिम शबनम बरसे, दिल के साथ से मीठी मीठी सरगम बरसे। को पूरे करने का ये मौसम है, एक दूजे की बाहों में खो जाने का मौसम है। चाहत की हर सरहद हम मिलके पार करेंगे, उल्फत के सारे सबक हम पल भर में पढ़ लेंगे। आके तू मुझ में समा जा, मैं तुझ में समा जाऊं। जानम तू मेरा हो जा, मैं भी तेरी हो जाऊं। तेरा ये
प्यार मिला जैसे संसार मिला। सावन में ये रिमझिम रिमझिम शबनम बरसी, दिल की सांस से मीठी मीठी सरगम बरसी। सावन में ये रिमझिम रिमझिम शबनम बरसे, दिल के साज से मीठी मीठी सरगम बरसे। आया ये प्यार का मौसम, दिल से दिल का ये संगम। आया ये प्यार का मौसम, दिल से दिल का ये संगम। जो चाहे वो कर ले, चाहत से दामन भर ले। सावन में ये रिमझिम रिमझिम शबनम बरसे, दिल के साज से मीठी मीठी सरगम बरसे। की गोद नहीं मिली तो आशिक की गोद में लेटना चाहती है। भैया, मुझे छोड़ दो भैया। मेरी बहन तेरे सपनों में भी नहीं आनी चाहिए। सपनों में ही नहीं, वो तो मेरे दिल और दिमाग में छाई हुई है। कहते हैं माँ बाप के पाप बच्चे भुगतते हैं, लेकिन अब बच्चे के पाप माँ बाप भुगतेंगे। कल इसके पूरे परिवार की समाधि बना दो। गणपति मंदिर के पास माँ जी बाबू जी और विजय की जिंदा समाधि बना रहे वो धर्मवीर। नहीं भैया, यहाँ से शॉर्टकट है, जल्दी पहुँच जाएंगे। जल्दी जल्दी करो, ए ईंट लगाओ। अरे जल्दी जल्दी काम करो ना, ए इधर सपन करो। Come on!
कितनी बढ़िया समाधि बना रहा है। अकबर ने तो अनारकली को जिंदा दीवारों में चुनवाया था, लेकिन मैं प्यार करने वाले के खानदान की समाधि बना रहा हूँ। आज के बाद इस गांव में कोई मेरी बहन की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरे साथ जो कुछ करना है करो, माँ और पिताजी को छोड़ दो, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तुम बदला लेना चाहते हो तो मुझे मार दो, लेकिन मेरे पति और बेटे को छोड़ दो। एक दूसरे के बिना तुम जिंदा कैसे रहोगे, इसीलिए सबके एक साथ समाधि बना रहा हूँ। ढक्कन डाल के बंद कर दो, बिना हवा के मर जाएंगे। सी फॉर क्लोज, यानी कि पूरा परिवार क्लोज। तू आ गया बेटे। ये काम किसने किया पिताजी? ये सब उस कमीने धर्मवीर का काम है। भवानी, आते हथियार उठाकर तू कहाँ जा रहा है बेटे? आज उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं बेटे, रहने दे बेटे, इतने सालों के बाद तू आज आया है बेटे, फिर से किसी को मारकर तू जेल मत जा बेटे। जो लड़ाई हिंसा से नहीं जीत पाए हैं, गांधीगिरी से जीतेंगे। गुस्सा थूक दे बेटे, अपनी माँ की बात मान ले। सब लोग ध्यान से सुनो, पसीना किसी का बहे और मजे कोई और उड़ाए, अनाज कोई और उगाए और रोटी बनाकर कोई और खाए, ये रिवाज आज के बाद इस गांव में नहीं चलने दूंगा। इस गांव में अब कोई अन्याय नहीं होगा। अगर फिर भी किसी ने कोशिश की तो मैं नहीं बोलूंगा, ये हथियार बोलेगा। भैया मुझे माफ कर दो भैया, इन सब का कारण मैं ही हूँ भैया। ये तो क्या कह रहा है? ऐसा मत कर, कितनी बार समझाया पर ये माना ही नहीं। हमारे घर की बहू बनी थी महेश्वरी, उस परिवार ने उसका खून किया है, ऐसे परिवार से भला हमारा क्या संबंध? पहेली मत बुझाओ, मुझे बात बताओ। तू घुमा फिरा के क्यों बोल रही है? भवानी, धर्मवीर की बहन और ये विजय दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात तो धर्मवीर जान गया, उसने बहुत कोशिश की पर वो इन्हें अलग नहीं कर पाया, इसलिए जब उसका बस नहीं चला तो उसने हम तीनों को मारना चाहा। तो असली बात यह है भैया, मुझसे अनजाने में ये भूल हो गई है। हे, ऐसे क्यों बोल रहा है? तेरा ये भाई भी प्यार की पूजा करता है, मैंने भी किसी से प्यार किया था, मेरी बदकिस्मती हम साथ में नहीं जी पाए। हे, तू जिससे प्यार करता है वो कहीं की राजकुमारी क्यों ना हो, तेरी शादी उसी से कराऊंगा। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। अब वो भवानी सिंह आ गया है, इस गांव में धर्म और न्याय की ही बात कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो गांव का प्रधान बन जाएगा और हम गांव के भिखारी बन जाएंगे। तब खाने पीने के लिए क्या करेंगे? क्यों रे,
ये धर्म भी ऐसे ही छोड़ देगा क्या? तो अब आप क्या करने वाले हैं? खून करके जो जेल जाकर आया है वो इस गांव में नहीं रहना चाहिए, ऐसा पंचायत में फैसला सुनाकर उसके खानदान को बर्बाद नहीं कर दूंगा। अरे वाह 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 वाह, किसी का घर तोड़ना हो तो इन्हीं के पास से आइडिया लेना चाहिए। मैंने भी तो इन्हीं से आइडिया लिया था। तो क्या इसीलिए तुम्हारी पत्नी भाग गई? एक काम करें, अभी पंचायत बुलाएं। पिछले साल तुम्हारी पत्नी भागी थी, पंचायत बुलाकर क्या करोगे? अरे वो बात छोड़ो भैया, इस बात के लिए पंचायत बुलाए कि नहीं। तो तुम क्या समझते, ये मना करने वाले हैं? बोल मत, करके दिखा। हां देख लिया। सभी गांव वालों को यह संदेशा दिया जाता है, कल सुबह प्रधान के घर पर पंचायत बैठेगी, सब लोग बिना भूले वहां पर आ जाना। चलो 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 चलो, ठीक है, पंचायत बुलाया है, पंचायत ही करेंगे ना, बुलाया हो जाए। नमस्ते नमस्ते, क्या बात है, पूरा गांव यहाँ चला आया है? गांव में ढिंढोरा पिटवाया था ना कि पंचायत लगेगी, इसलिए आए हैं। पंचायत तो धर्मवीर के यहाँ लगती है, यहाँ पर क्यों आए हो? भैया जब इस गांव में अत्याचार होते हैं तो देखने वाला कोई भी नहीं था, अब गांव की भलाई के लिए भवानी आ गया है ना। अब से भवानी सिंह ही हमारे सब कुछ है, भवानी सिंह की बात मानकर चलने के लिए ही हम सब यहाँ आए हैं। अरे तुम लोग चुप क्यों हो, बोलो ना। भवानी, जब तू खून करके जेल चला गया था, तेरे वापस आने पर गांव वाले कैसा व्यवहार करेंगे सोचकर परेशान थी, समझ ले मैं मर मर के जी रही थी, लेकिन आज तेरे पैरों की धूल अपने माथे पर लगाने के लिए तैयार है ये गांव। हम सब भवानी जी को मुखिया मानते हैं, अब वो ही इस गांव के फरिश्ता हैं। आज से यही हमारे मुखिया हैं, इन्हीं के बाद हम मानेंगे। तू कुर्सी को ढूंढ कर नहीं गया बेटे, कुर्सी तुझे ढूंढती हुई आई है, उसे अपनाने में भलाई है, और उससे भी ज्यादा जो लोग तुझ पे भरोसा करके आए हैं उनका भरोसा ना तोड़ बेटे। मालिक, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, भवानी भैया को बाहर आने के लिए कहिए, हम लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, हमें आजाद कराइए। ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं भवानी को लेकर आता हूँ। जी अच्छा। आप सबको नमस्कार, मेरा ही नहीं जीना हर एक का हक है। कुर्सी से प्यार पाने वाला सच्चा प्रधान नहीं होता है, प्यार से कुर्सी पाने वाला ही सच्चा प्रधान होता है। आज इसी समय से मैं तुम्हारा प्रधान बन के नहीं, हम सफर बन के रहूंगा। मुझे अपना समझकर अपनी कमियां मुझे बताइए, अपनी जान पर खेल कर मैं उन कमियों को पूरा करूंगा। अपना प्लान कामयाब हो जाएगा सोचकर आपने ये पंचायत बुलाई, अब क्या हुआ, गांव के सारे भूखे नंगे भवानी सिंह की ओर हो गए, वो बिना इलेक्शन लड़े ही प्रधान बन गया, आपकी तो जमानत ही जब्त हो गई। जमानत जब्त हुई तो क्या हुआ, और क्या जाना चाहिए, इनकी इज्जत चली गई है, इस गांव में मालिक इज्जत वाले हैं, जहां भी जाते वहां लोग खड़े हो जाते थे। इज्जत चली गई उसके लिए चुल्लू पर पानी में डूबने के लिए कह रहे हो या आत्महत्या करने के लिए कह रहे हो, अब क्या सोच रहे हो? अब आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा। नमस्ते मालिक। आओ भैया, क्या बात है? मालिक, अपना पेट काटकर, बच्चों का पेट काटकर, बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर एक घर बनाया, वही घर मैंने मंगल के यहाँ गिरवी रखकर 2,000 रुपये उधार लिए, जो मैंने उधार लिया उसे कहीं ज्यादा ब्याज दे चुका हूँ, अब कागजात वापस मांगने पर वो वापस नहीं दे रहा है। ठीक है, तुम अपने घर जाओ, पेपर तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। धन्यवाद मालिक, मैं मंगल से मिल के आता हूँ। भैया, छोटी सी बात के लिए आपका जाना ठीक नहीं है, अपना गमछा दीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। ये क्या कह रहे हो भैया, आप अपनी ताकत के बारे में खुद नहीं जानते, पहले गमछा तो दीजिए फिर देखिए क्या होता है। गमछा दीजिए ना भैया। उस मवाली के लिए मालिक का एक गमछा ही काफी है। मंगल कहाँ भारा? कौन हो भाई? अच्छा तो तुम हो, ये क्या है, तुम्हारा तो हुलिया ही बदल गया है। जब गांव ही बदल गया, मेरा हुलिया भी बदल गया। ये हाथ में गमछा किसका है? ये कोई मामूली गमछा नहीं है, ये ठाकुर भवानी सिंह का गमछा है। क्या हुआ जंगली, कैसे आना हुआ? हेलो श्यामलाल। ए तू कैसा यार,
तो इतना बड़ा हो गया कि मेरा नाम लेके बुला रहा है। शुक्र मनाओ इज्जत से बुला रहा हूँ, नहीं तो मुझे जानते हो ना, ये देखी धोती 299 रुपए 99 पैसे की है। ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे बाटा शू कंपनी का रेट हो। अरे ओ भैया, इस गांव में किसको धोती पहननी चाहिए किसको नहीं पहननी चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। तो तू क्या करेगा? अब मैं धोती नहीं पहनने वाला हूँ। ये कैसा लगा? बिल्कुल सही है, अब से ऐसे ही रहूंगा, बढ़िया हवा आती है। तुम्हारे गुनाहों की सजा देने के लिए ये कहा गया है, इसलिए सावधान रहना। पैसे हड़प के घर के कागजात भी न देके बेचारे मनीष को धमकाता है तू? सूरज ढलने से पहले मनीष का घर के कागजात मिल जाने चाहिए, नहीं तो गमछा नहीं आएगा, मालिक का हथियार आएगा। हथियार आया तो गड़बड़ हो जाएगी, ऊपर से 10 इंच छोटा हो जाएगा। समझ गया ना, चलते हैं। ये क्या भैया, ये इस तरह से बोल के जा रहे हैं? चिंता मत कर, कागजात देने की कोई जरूरत नहीं है, सब मैं संभाल लूंगा। किसे? सर कटने के बाद मेरे धड़ को? नमस्ते मालिक। ओ मंगल सिंह है। मालिक ये लीजिए मनीष के घर के कागजात, मुझसे अनजाने में भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब याद रखना, आइंदा कभी भी गरीब लोगों के पेट पर मारने की कोशिश मत करना। ठीक है, अब तुम जाओ। धन्यवाद मालिक। भैया ये पेपर ले जाएगा, मनीष के घर पे दे दो। जी बहुत अच्छा। सुंदरी के घर गए थे क्या? शादी करके लौट रहे हैं। नमस्ते मालिक, आपकी बात मानकर सुंदरी से मैंने शादी कर ली, हमें आशीर्वाद दीजिए मालिक। सुखी रहो, सदा सुखी रहो। नमस्ते। नमस्ते। पूरे गाँव का न्याय करते हो लेकिन मुझ अबला के साथ न्याय नहीं करोगे क्या? क्यों, तुम्हारी क्या समस्या है? मैं आपके छोटे भाई के ऊपर जान छिड़कती हूँ, शायद आप जानते होंगे। आपके भाई के लिए पता है मैं कितने जुल्म से रही हूँ, ये सब जानते हुए भी आप क्यों कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं? अब जब आएंगे तो हमें एक करा देंगे, ऐसा हमें विश्वास था, लेकिन अब वो विश्वास भी टूटता जा रहा है। मीना, अगर मैं पहले वाला भवानी सिंह होता तो जिस दिन मुझे पता चला था उसी दिन तुम्हारी शादी करवा देता, लेकिन आज मैं प्रधान बनकर लोगों का न्याय करता हूँ, गांव के लोग मुझे इज्जत देते हैं, उस इज्जत को मैं अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल ना करूं उसके लिए आज तक मैं खामोश रहा हूं। अभी तुम अपने घर जाओ, कल रीति रिवाज के साथ तुम्हारे घर आकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा। अब तो खुश हो ना? थी तेरे दिल की अर्जी वो थी मेरे दिल की मर्जी, गई तू भी जीत के मैं भी जीत गया, है कर ले उसे याद कल जो बीत गया। मस्ती में मैं डूबा था, मस्ती में तू डूबी थी, मैं था और तू थी और तेरे मेरे बीच की दूरी भी कम थी। जो थी मेरे दिल की अर्जी वो थी तेरे दिल, गई मैं भी जीत के तू भी जीत गया, कर ले उसे याद कल जो बीत गया। पहली नजर में ओ जालिम, तब से मुझे चैन नहीं आराम नहीं। घड़ी घड़ी तुझको देखो तुझसे कर मीठी मीठी बातें, यही एक काम है दूजा काम नहीं। तेरे बिना जान ले जी न पाएंगे हम भी, जहर जान ले पी न पाएंगे। मैं तो
आजकल जागू रात भर कुछ कर या तो मुझे कुछ करने दे। जो थी मेरे दिल की अर्जी वो थी तेरे दिल की मर्जी, गई मैं भी जीत के तू भी जीत गया। कर ले उसे याद कल जो बीत गया। सजना मैं प्यार से तू ही मेरे जीवन का हर एक आधार है सजनी, कभी कभी डर लगता मुझको हार से। कर ले वादा हम कभी ना जुदा होंगे, तुझ पे है फिदा तुझ पे ही हम फिदा होंगे। तेरे हाथों में सदा मेरा ये हाथ रहे, अपना इनात सारी जिंदगी के साथ रहे। जो थी मेरे दिल तेरे दिल की मर्जी, गई मैं भी जीत के तू भी जीत गया। कर ले उसे याद कल जो बीत गया। प्रधान जी, हमेशा तुम्हारा गमछा आया करता है, आज तुम खुद चले आए, वो भी फूल फलहार के साथ। कोई मन्नत मानी है क्या? भैया, छोटे बच्चे हैं, नादान हैं, एक दूसरे को भा गए हैं, अब उनकी आशाओं को पूरा करना ही हमारा फर्ज बनता है। हाँ धर्मवीर, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, मंगनी की रस्म निभाकर अच्छा मुहूर्त देखकर इनकी शादी कर देंगे। ये बात है, ठीक है कर देंगे। धर्मवीर, हम रीति रिवाज से रिश्ता मांगने के लिए आए और तू इसे नकार रहा है। मैं तुझे शाम तक का टाइम देता हूँ, इस दौरान तू खुद अपनी बहन को हमारे घर की बहू बनाकर भेज देना, वरना चाहे खून की नदियां ही क्यों ना बह जाएं, कल सूर्योदय होते ही विजय मीना के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम भवानी सिंह नहीं, चलो। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या न आए गाना चाहिए। तो तुम दोनों यहाँ हो? आ? क्या कर रहे हो? हम लोग कपड़े धो रहे हैं। यू आर करेक्ट। बहुत दिनों से मुझे एक संदेह है। कैसा? पत्नी जब बच्चे को जन्म देती है हाँ? तो जो आदमी बहुत तड़पता है वही उसका असली पति होता है, ये बात तो मैं जानता हूँ। हाँ? लेकिन जब मेरी पत्नी की डिलीवरी हो रही थी तो ये श्याम लाल कुछ ज्यादा ही तड़प रहा था, ऐसा क्यों? ओहो, मैं बताऊंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, जो भी हो बता। तो बताऊं? हाँ बता। तेरी पत्नी का तू पति नहीं है, वही उसका पति है, तू तो रबर स्टैंप है। हाँ? क्या कहा तूने? मेरी धनो ने दिल मेरा ये तोड़ दिया। टंडी नकटे, टंडी नकटे। हाँ तोड़ दिया। टंडी नकटे, दिल तोड़ दिया। टंडी नकटे। अरे ये कौन है बेमतलब का ताल ठोक रहा है? अबे इधर देखना, तेरे हाथ में क्या तबला है? ए, अपने हाथ में इतना बड़ा पत्थर लेकर क्यों खड़ा है? मुखेबाज, तुझ पे मैंने कितना विश्वास किया था और तूने मेरी पत्नी पर हाथ डाल दिया। ऐसा मत करना यार। ओहो, टांग तोड़ दी, अब तो मैं कभी खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। भैया, मीना को उसका भाई आज ही गाड़ी में डालकर बराबर के गांव में ले गया है। कल सुबह राजू बिहारी के बेटे से उसकी शादी कराने वाला है।
आओ बिटिया। क्यों रे, अपने गांव से इस गांव में आकर धमाल मचाने आए हो? मैं ये शादी क्यों रोकूं? मेरा हथियार ला कर दो। हथियार उठाना मैं भी जानता हूँ, और जब उठा लेता हूँ तो क्या होता है ये तू भी जानता है। धर्मवीर, ये सब कौन है? शादी काहे के रोकने के लिए कर रहे हैं? दरअसल बात कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। काका, हम बराबर के गांव से आ रहे हैं। मेरा नाम है भवानी सिंह, मेरा ये भाई और धर्मवीर की बहन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये जानते हुए भी जबरदस्ती अपनी बहन को इस गाँव में ये धर्मवीर लाकर किसी और से शादी कराने की कोशिश कर रहा है। भला ये कहाँ का न्याय है? का बिटिया, ये जो कहते हो सच है? जी हाँ सच है। हम इस गांव में इज्जत से रहते रहा, सब मिट्टी में मिला दिए। तुम्हारा खानदान ऐसे रहा, इस खानदान में लड़की देवे के हमें सोचे के पड़ा था। अब हम का करी समझ में नहीं किया। जल्दी से मंगलसूत्र पहनाने को कहो। बेटा, शादी के सारे रस्म पूरा हो गए हैं, लड़का मंडप में बैठ चुकल है, अब ऐसे में शादी रोकना हमारा। अरे रस्म पूरे हो गए तो हम क्या करें? तुम लोग ये शादी रोकते हो कि नहीं ये बताओ। ये शादी नहीं रुकेगी, जो करना है कर लो। एक एक को मार डालेंगे। हम भी तुम्हें काट डालेंगे। मेरी बात सुनिए, ये दो परिवारों की समस्या है, इसे दो गांव की समस्या ना बनाए तो अच्छा होगा। तो हार कहना सही है बेटा, अब हम क्या करें तो ही बताया। काका, इसने प्यार किया इसलिए इसका भी हक बनता है, मंडप में बैठा इसलिए आपके बेटे का भी हक बनता है। जर जोर जमीन वीरों की होती है, ये यहाँ की परंपरा है। इसीलिए उस जमाने में लड़कियां वीरों के साथ ब्याही जाती थीं। लेकिन इस समस्या के लिए दो गांवों का भिड़ना ठीक नहीं होगा। आपके बेटे को मेरे इस भाई से भिड़ने दो, इसमें जो भी जीतेगा वही उस लड़की को मंगलसूत्र पहनाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही करते हैं। बेटा, जैसे तू करे के कहला, ये दोनों में से कौन ही मंगलसूत्र उठावे वही के लड़की होए। विजय, प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं है, इस मुकाबले को जीतकर पूरे गांव का नाम रोशन करना। मैं भवानी सिंह का भाई हूँ, हारना हमारी शान के खिलाफ है। मुझे आशीर्वाद दो भैया। पिताजी, उसका सर काट कर मैं ये मंगलसूत्र उठाऊंगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। चक दे इंडिया, हटो पीछे। आप बैठिए पहलवान जी।
विजय मंगलसूत्र पहना दे। कल सुबह ये शादी मैं अपने गांव में करके दिखाऊंगा। अगर माँ का दूध पिया है तो रोक के दिखाओ। क्या मालिक, इस गांव में शादी हो जाएगी ये सोचकर हम लोग यहाँ आए और यहाँ भी हम ये शादी नहीं करा पाए और ऊपर से ये भवानी सिंह आपकी बहन को भी अपने साथ ले गया। मालिक, अब ये शादी आप कैसे रोकेंगे? रोकूंगा, ये शादी रोक के दिखाऊंगा। विजय, माँ और मीना को शहर ले जाकर इन्हें जो पसंद आए वो खरीदवा देना। ठीक है भैया। हाँ बेटे, आज तक इस गाँव में ऐसी शादी नहीं हुई होगी जो तेरा भाई कराने वाला है। और सुन, मेरी बहू की शादी का जोड़ा ऐसा होना चाहिए जो आज तक किसी ने नहीं देखा हो। हाँ, भवानी, हाँ। तू पुरोहित को बोलकर आ जा। हाँ। पिताजी, मेरी शादी में किसी पुरोहित की जरूरत नहीं है। आप और माँ मंगलसूत्र उठा कर देंगे और मैं इसे गले में पहनाऊंगा। ये ऐसे क्यों बोल रहा है? भाई किसका है, ऐसे ही बोलेगा। विजय, टाइम हो गया, जल्दी जा। माँ जल्दी जाओ। ठीक है। हाँ, जाओ जल्दी जाओ। पिताजी, मंडप में जाकर एक नजर देख कर आ जाता हूँ। ठीक है बेटे, जा जल्दी जा। इतनी साड़ियों में से आपको कोई साड़ी पसंद नहीं आई? रुको ना भैया, जल्दी क्यों मचा रहे हो? मेरे बेटे की शादी है, अपनी बहू के लिए सबसे बढ़िया साड़ी खरीदूंगी। औरतों के साथ व्यापार करना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें काय का मुश्किल होता है? ऐसा बोलोगे दूसरी दुकान में चले जाओगे। हाँ। यहीं से खरीदिए। अच्छा, वो क्या है? लाओ भाई, लाओ वाले लाओ। हाँ, ये लीजिए, देखिए। इसे छुपा कर रखा हुआ था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रखे देखूं तो? हाँ, इसमें जरी बहुत ज्यादा है।
मेरी बच्ची बिल्कुल अफसरा लग रही है। क्यों रे, तुझे पसंद है ना? आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो फिर यही ले लेते हैं, इसमें क्या है। यही वाली दे दो भैया। हाँ तो अब चले बेटे। थोड़ा रुको ना माँ। माँ ये साड़ी देखो, अच्छी है ना? वो किस लिए बेटे? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मैं अपनी शादी पर खरीदवा कर दे रहा हूँ। पीला रंग है, तुम पर बहुत जचेगा माँ। जब तुम ये साड़ी पहनोगी ना तो पिताजी तुम्हें देखकर बेहोश हो जाएंगे। भवानी, शादी के मंडप में गया था, सारी तैयारियां हो गई? और ये क्या, शहर से वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? शादी की मिठाइयों का पूरा इंतजाम हो गया ना? क्या बात है भवानी, मैं पूछी जा रहा हूँ तो कोई जवाब? बेटी, किसी भी लड़की का सबसे बड़ा सपना होता है शादी करके सुहागन बनना, और वो मरते दम तक सुहागन बनकर ही जीना चाहती है। भैया भगवान का नाम लेकर सिंदूर दीजिए। बेटी, कल ये मंगलसूत्र में लगकर तेरे गले में पड़ेगा। मेरे बेटे भवानी सिंह का दिया हुआ वचन पूरा होगा। घर में अगर कोई मर जाए तो एक साल तक उस घर में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। क्यों ठाकुर, जानते हो ना, मैं ये शादी का मुहूर्त उल्टा करके जा रहा हूँ। अब तुम्हारा बेटा तुम्हारा क्रियाकर्म करता है या अपने भाई की शादी करता है, देखता हूँ। नटराज। हाँ भैया। मैं जरा घर होकर आता हूँ, सब संभाल लेना। ठीक है भैया। भैया देख लेना। हाँ ठीक है भैया। पिताजी। भवानी, तू मुझे एक वचन दे बेटे। किस लिए पिताजी? जिस घर में मौत होती है उस घर में एक साल तक शादी नहीं होती है बेटे, पर ये शादी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। कैसे पिताजी? तू क्या करेगा क्या नहीं मैं कुछ नहीं जानता। तेरी माँ के सुहागन रहते हुए ये शादी होनी चाहिए, ये तेरे पिताजी की आखिरी इच्छा है बेटे। भवानी, मेरी बहू के गले में मंगलसूत्र डालने के बाद ही तेरी माँ के गले में पड़ा मंगलसूत्र उतरना चाहिए, ऐसा मुझे वचन दे बेटे। संभल कर उतर बेटी, आ जाओ जल्दी आओ, मुहूर्त से पहले मंडप पहुंचना है। भवानी क्या बात है बेटे, तू कहाँ था? मंडप में शादी के सारे इंतजाम ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। ये देख बेटे, अपनी बहू के लिए मेरे मंगलसूत्र जैसा ही उसके लिए भी लेकर आई हूँ। ये देख दोनों एक जैसे ही है ना? क्या हुआ बेटे, आज मुझे पहली बार देख रहा है जो इस तरह से देख रहा है। ऐसा कुछ नहीं माँ, बालों में कचरा, माथे में जब बिंदिया के साथ आपको देखता हूँ तो आप बहुत अच्छी दिखती है माँ। ये गजरे और बिंदिया के साथ मैं हमेशा तेरे बाप की छाया में रहना चाहती हूँ, बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। ये बता तेरे पिताजी कहाँ है? दरअसल माँ बराबर के गाँव में,
मेरे हाथों एक शादी करवाना चाहते थे। मैं शादी के मंडप में था इसलिए। पिताजी चले गए। हाँ, बेटे की शादी से भी बढ़ गई, उनके लिए उनकी शादी जरूरी हो गई, जो वो मुझसे भी बिना बोले चले गए। वो मुझसे बोल कर ही गए माँ। माँ, विजय और मीना को शादी के मंडप में ले जाके वहाँ के मुहूर्त का काम संभाल लो। पिताजी के आते ही मैं उन्हें वहाँ ले आऊंगा। ठीक है, जल्दी आ जाना बेटे। भैया, शहर से मैं पिताजी के लिए भी नए कपड़े लेकर आया हूँ। जब वो आए तो बोलना ये पहनकर बिल्कुल दूल्हे की तरह बनकर आए। वो मंगलसूत्र उठाकर देंगे तभी पहनाऊंगा। हाँ चल बेटी, हम कपड़े बदल के जल्दी चलते हैं। कुछ भी करके शादी करवा देना बोलकर पिताजी ने मुझसे वचन लिया है। पिताजी मंगलसूत्र उठाकर देंगे तो ही शादी करूंगा, ऐसा ये बोलकर जा रहा हूं। मैं क्या करूं? यहाँ बैठो ना माँ। अरे ये क्या बेटे, क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरा 16 सिंगार करने वाली हो? आप हमेशा बहुत सुंदर दिखती हैं माँ। अरे छोड़ ना बेटे। ये क्या माँ जी, हाँ? इतनी बढ़िया साड़ी पहनी हुई है, मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगाया? नहीं लगाया? नहीं लगाया। अरे हाँ, मुंह धो के आई थी ना तो भूल गई। भैया माँ को देखो, बिल्कुल महालक्ष्मी लग रही है ना। गांव में जब भी कोई त्योहार होता है तो मैं तेरे पिताजी के साथ ही जाती हूँ। उनके बिना मैं आज तक कहीं नहीं गई। जल्दी लेके आ जाना बेटे, चलो। पार्वती जी, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, वर वधु को जल्दी आने के लिए कहिए। कोई बात नहीं भैया, पहले उन्हें आने दीजिए। पार्वती जी, मंगलसूत्र उनके आने के बाद पहनवा देना, पहले लड़का और लड़की दोनों को मंडप में लाके बैठाइए ना। हाँ हाँ, जल्दी बुलाइए ना उनको। अब कहीं जाकर मेरी जान में जाना है। बाप रे। माँ, पिताजी आ गए हैं, मंगलसूत्र पहनाने को कहो। ये तो क्या कह रहा है,
वो अभी तक गाड़ी में बैठे हुए हैं। तू मंगलसूत्र पहनाने के लिए बोल रहा है क्यों? उन्हें क्या हो गया है? दरअसल माँ, हाँ? पिताजी इसी गाड़ी में बराबर के गांव गए थे ना, सिर में दर्द है इसलिए वो गाड़ी में बैठे। तेरे पिताजी को क्या हुआ है? वो माँ, दरअसल ऐसा कुछ नहीं। जल्दी बता माँ, उन्हें हुआ क्या है? सर में दर्द है इसीलिए वो गाड़ी में बैठे। नहीं, बता उन्हें क्या हुआ है, जल्दी बता क्या हुआ है उन्हें, सच सच बता क्या हुआ। माँ, तू रो क्यों रहा है? अरे तू रो क्यों रहा है? सुनिए, सुनिए, सुनिए। पिताजी, तो तुम चले गए, मुझे छोड़ के चले गए। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटे, भवानी बेटे, ये क्या हो गया, ये सब कैसे हो गया? तुम्हारे घर में शादी का जश्न मनेगा या मैयत का मातम मनेगा बोलकर वो धर्मवीर पिताजी को मार के चला गया। तुम्हें इस हालत में घर में रखकर मैं सच सवर रही थी। तुम्हारा मन कैसे माना मुझे अकेला छोड़कर जाने के लिए? अब मेरे किस काम का ये सोना सिंगार, किस काम का विद्या, किस काम की ये मंगलसूत्र, किस काम का? माँ, पिताजी ने दम तोड़ते समय मुझसे कैसा वचन लिया था पता है? कैसा वचन? आप सुमंगली रहकर ये शादी करवाएंगे, ऐसी पिताजी की आखिरी इच्छा थी। मेरी बहू के गले में मंगलसूत्र डलने के बाद ही तेरी माँ का मंगलसूत्र उतरना चाहिए, ऐसा बोलकर वो चले गए। क्या कहा था इन्होंने? मेरी बहू के गले में मंगलसूत्र डलने के बाद ही तेरी माँ के गले से मंगलसूत्र उतरना चाहिए, ऐसा कहा था। सुनिए, मैंने आपके जीते जी भी कभी कोई आपकी बात टालने की हिम्मत नहीं की और आज भी नहीं टालूंगी। जैसा आपने चाहा वैसे ही मैं ये शादी करवाऊंगी, करवा के रहूंगी। बेटे, अपने पिताजी को उठा। भवानी, तुमने अपने बाप का खून किया, ऐसे हमें रिपोर्ट मिली है। किसी की गलत रिपोर्ट सुनकर आए हो इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर, इससे क्या बात कर रहे हो? पंचायत ने आपको रिपोर्ट दी है ना, अरेस्ट कीजिए। इन्हें गिरफ्तार करके थाने ले जाइए इंस्पेक्टर। नहीं इंस्पेक्टर, पहले मेरे भाई की शादी होने दो, उसके बाद जो चाहे वो करना। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चुपचाप थाने चलो। मेरी बात मानो इंस्पेक्टर। हथकड़ी पहनो। पुलिस वालों को गाड़ी में बैठने को बोल, नहीं तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। जल्दी बैठने को बोल। अरे इंस्पेक्टर, सब गाड़ी में बैठ जाओ, जल्दी जाके बैठो। हे नटराज, सबको गाड़ी में बैठा। चलो चलो जल्दी चलो, शादी में चलो। चलो।
जिस शादी को रोकने के लिए तूने मेरे पिताजी को मार डाला वो शादी अब तेरी आंखों के सामने होगी। विजय मंगलसूत्र पहना। मेरे पिताजी को जब मारा मैं तुझे तभी मार सकता था। ये शादी होने तक के लिए ही तुझे छोड़ रखा था, पर अब भवानी नहीं बेटा ऐसे मत कर बेटे। तू अगर इसे मार देगा तो क्या तेरे पिताजी वापस जिंदा हो जाएंगे? इसे छोड़ दे बेटे। ऐसा मत बोलो माँ जी, ऐसे वहशी दरिंदे को अगर जिंदा छोड़ दिया तो आपकी जैसी कितनी ही माताएं विधवा का जीवन बिताएंगी और मेरे जैसे कितने ही बाप अपने बच्चों को खोएंगे। भवानी इसे जिंदा मत छोड़ना, मत छोड़ना। मैंने पिताजी को दिया वचन पूरा किया, अब जेल जाने की मुझे कोई चिंता नहीं। विजय अब माँ की देखभाल तुम्हें ही करनी होगी। शादी मुबारक हो।